जैसे हमारे जैसा जो सामाजिक कार्यकर्ता है थोड़ा बहुत हम लोग काम करा दिए। जो लेबर हमारे गांव का लेबर कह रहा था कि हमको काम चाहिए, तो हमने जाकर प्रोग्राम पदाधिकारी से मिले, हमने कहे प्रोग्राम पदाधिकारी से कि भाई थोड़ा काम दीजिए, करा खुदाई का काम किया जाए, कच्ची सड़क का काम किया जाए, लेकिन सब नहीं हो रहा। हमने कोई का इंदिरा आवास का हो तो उस पर हम पहल किए हैं कि भाई इसको सही नंबर है तो इसको मिलना चाहिए। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पहले चरण के पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर के जो तारीख है उसका ऐलान हो गया है और अब इसको लेकर पंचायत में सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में जो भी मुखिया प्रत्याशी हैं लगातार अपने द्वारा जो काम किया गया है वो जनता को बता रहे हैं और आगे अगर वो मुखिया बनते हैं तो उनके द्वारा क्या कुछ और भी काम है जो कराए जाएंगे उसको लेकर भी अब वो मैदान में उतर रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं और कई वादे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि रोहतास जिले के करगर प्रखंड के बभनी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अभय सिंह जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो जनता के सामने जा रहे हैं और क्या कुछ आगे उनके द्वारा विकास कार्यों को किया जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं। उनसे हम बात की हमारे संवाददाता अश्विनी पांडेय ने। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के करगर प्रखंड के बभनी पंचायत में। और इस पंचायत की अगर बात कर लें तो यहाँ 10वें चरण में मतदान होगा और 26 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया यहाँ शुरू होगी। लिहाजा अभी से भी जो प्रत्याशी हैं अपना दमखम लगाने में जुट चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बभनी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अभय कुमार सिंह, जिन्होंने अपने पंचायत क्षेत्र में चुनाव लड़ने को लेकर पूरी दमखम लगा दिए हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले अभय जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। 10वें चरण में यहाँ मतदान होगा और अभी से आप लोग लग चुके हैं और जनसंपर्क की अगर बात करें तो लोगों के बीच घर घर जाकर आप लोग जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। क्या लगता है इस बार जनता जो है बदलाव की आसार देख रही है? बिल्कुल दिख रही है। क्या कुछ कमियाँ रह गई आपके इस पंचायत क्षेत्र में कि आपको इस चुनावी महासमर में उतरना पड़ा? देखिए, इस पंचायत में जो मुखिया अभी वर्तमान में हैं उसके द्वारा जनता के जो मूल मुद्दा है उसको कला कि छू नहीं पाए हैं। जो जनता जाती है उनके पास कोई काम के लिए तो कह देते हैं कि जाइए ब्लॉक में, जाइए जिला में, मैंने तरह तरह के, ना कभी गांव में घूमने आते हैं, ना काम, कभी गली देखते हैं, ना नाली देखते हैं, ना किसी जनता से मुलाकात करते हैं कि भाई किस आपका क्या कमी है। इसलिए जनता एकदम त्राहिमाम कर रही है। जनता चाह रही है कि बदलाव हो। एक सवाल ये रहेगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और इस महामारी की अगर बात करें तो कई मजदूर जो बाहर गए हुए थे यहाँ पर आए। लोगों ने कहा कि जो मजदूर हैं उनको जो है यहाँ पर रोज़गार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन क्या मजदूरों को यहाँ रोज़गार मिला? बिल्कुल नहीं मिला। यदि देखिएगा मनरेगा को देखिएगा तो मजदूरी के मामले में तो सबसे फिसिंडी पंचायत बभनी पंचायत है। ये हम कहने से नहीं होगा, इसका डाटा है। डाटा भी निकालिएगा, देखिएगा तो एकदम फिसिंडी है, फिसिंडी है, एकदम फिसिंडी है। हाँ, थोड़ा बहुत जो काम हुआ है ना, थोड़ा बहुत वो थोड़ा कला कि जैसे हमारे जैसा जो सामाजिक कार्यकर्ता है थोड़ा बहुत हम लोग काम करा दिए। जो लेबर हमारे गांव का लेबर कह रहा था कि हमको काम चाहिए, तो हमने जाकर प्रोग्राम पदाधिकारी से मिले, हमने कहे प्रोग्राम पदाधिकारी से कि भाई थोड़ा काम दीजिए। गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए वो राशि मिल पाई है? नहीं मिल पाई है। अभी हमारे पंचायत में जाइएगा तो जिसको मिलना चाहिए, अभी जाइएगा तो लोग टाटी लगाकर, प्लास्टिक लगाकर किसी तरह जीवन गुजर कर रहा है। लेकिन जब मुखिया के पास जाते हैं, भाई हमारा देखिए मुखिया जी कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। और दूसर की बात देखिए, सबसे मेन पॉइंट है कि हमारे पंचायत में जो बिचौलिया सक्रिय हैं, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 5,000 करके कला के पैसा लिया जाता है। तो गरीब जब कला पहले पैसा दे दिया है, कह रहा है हम पैसा दिए, हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। बताइए कि कहाँ से ये है कि मैं पैसा देना है तब इंदिरा आवास होगा? तो बिचौलिया हावी है। इस पर कला कि प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। प्रशासन का मतलब मुखिया का नियंत्रण नहीं है। मुखिया का ना सरकार है, लेकिन उनका नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप यहाँ बात करें यहाँ की सिंचाई की, तो सिंचाई की क्या स्थिति है यहाँ पे? सिंचाई का व्यवस्था देखिए, सिंचाई में जो नली गली जो ताल आ रहा है सब भरा हुआ है। मनरेगा इसीलिए चलाया गया है कि सिंचाई का काम किया जाए, करा खुदाई का काम किया जाए, कच्ची सड़क का काम किया जाए, लेकिन सब नहीं हो रहा है। ये पलाप है, इसलिए दिक्कत तो ही रहा है। इसमें क्या करना है कि इसको सफाई करिएगा, इसमें छलका लगवाइएगा, मूरी लगवाइएगा, पुल बनवाइएगा, तब ना पटवन होगा बढ़िया से। लेकिन पटवन नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है किसान को। दिक्कत है, हाँ बहुत दिक्कत है। अब किसानों की बात हुई, यहाँ के हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? यहाँ कोरोना काल जैसा है, बीमारी में जो है कई लोग बाहर जा गए इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ के अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले तो यहाँ पर क्या स्थिति है? हमने कोई का इंदिरा आवास का हो तो उस पर हम पहल किए हैं कि भाई इसको सही नंबर है तो इसको मिलना चाहिए। जिसका वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन जिसका 60 वर्ष एज हो गया, उसको कला के हम फॉरवर्ड कराते हैं कि भाई उसका होना चाहिए। जी, मैंने जो गरीब जनता आती है हमारे पास उसका निष्पादन हम करते हैं। इसलिए हमको जनता कह रही है कि भाई सबको हम लोग देख लिए, आपको भी इस बार देखेंगे। जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? हमारा जनता से ही अपील रहेगी कि देखिए, जनता से ही अपील रहेगी कि आप स्वच्छ को चुनिए, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको चुनिए। हम काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमारा इतिहास रहा है कि हम बहुत 20 सालों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। आपको बता देते हैं कि देखिए, हमारे गांव में अमरपुनाडी गांव हुआ, जी, हमारे गांव में धर्मौती नदी बहती है बगल से, उसमें सिंचाई का व्यवस्था नहीं था, बहुत दिक्कत हो रहा था किसान को। तो मैंने क्या किया कि लघु सिंचाई विभाग में उसको डलवा कर यहाँ से पटना जाकर मंत्री से मिलकर उसको DPR बनवाए। उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति हुआ, उसके बाद हमारा 1,84,00,000 का प्रोजेक्ट आया यहाँ पर। अब उसके चलते देखिए आज पटवन बहुत बढ़िया से हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि हर गांव में, हमारे पंचायत के हर गांव, हर टोला, हर कस्बा में हमारा विकास की धारा जो है कलग हर जगह पर है जाए, करा खुदाई का काम किया जाए, कच्ची सड़क का काम किया जाए, लेकिन सब नहीं हो रहा है। ये पलाप है, इसलिए दिक्कत तो ही रहा है। इसमें क्या करना है कि इसको सफाई करिएगा, इसमें छलका लगवाइएगा, मूरी लगवाइएगा, पुल बनवाइएगा, तब ना पटवन होगा बढ़िया से। लेकिन पटवन नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है किसान को। दिक्कत है, हाँ बहुत दिक्कत है। अब किसानों की बात हुई, यहाँ के हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? यहाँ कोरोना काल जैसा है, बीमारी में जो है कई लोग बाहर जा गए इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ के अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले तो यहाँ पर क्या स्थितियाँ रही? देखिए, यहाँ पर कम से कम 30 साल पीछे से स्वास्थ्य उपकेंद्र का स्वीकृति मिला हुआ है। यहाँ पर एनएम का भी पोस्टिंग है, लेकिन उसका आज तक भवन नहीं बन पाया। जी, भवन नहीं बनने के कारण ना यहाँ कोई एनएम बैठती है, ना डॉक्टर बैठता है, ना कला की कोई नर्स बैठती, कोई नहीं आता है यहाँ पर। जी, बस एगो फॉर्मेलिटी अदा करता है कि आइए सुख को आएगी और कल आगे आंगनबाड़ी पर बैठेगी, टीका उका देकर चली जाती है। लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर इस पंचायत में कुछ नहीं है। अब बात कर रहे हैं यहाँ RTPS काउंटर की। हर पंचायत भवन या सामुदायिक भवन में जो है व्यवस्था करना है, चूँकि इस पर भी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी घोषणा किया था कि 15 अगस्त से जितने भी RTPS काउंटर हैं संचालित हो जाएंगे पंचायत सरकार भवन पे या पंचायत भवन पर। क्या स्थिति है? देखिए, जब मंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया तो हम लोग तो बहुत खुशी हुआ कि भाई हर पंचायत में हो जाएगा, तो वहाँ पर जनता, गरीब जनता जाएगी, वहाँ पर उसका काम सुलभ से हो जाएगा। लेकिन जाकर देख लीजिए हमारे पंचायत में कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अभी कला की जनता एकदम भाग दौड़ कर रही है, कोई सासाराम जा रहा है, कोई करगर जा रहा है, मैंने जनता का दोहन हो रहा है। मतलब कि जिला मुख्यालय की बात करें या प्रखंड मुख्यालय की, तो अभी ये प्रखंड मुख्यालय जो है यहाँ से दूर पड़ता है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। सबसे अंतिम छोर पर हम लोग हैं। हम लोग का पंचायत का नंबर है 19, 20 को पंचायत है हमारे प्रखंड में, तो हमारा 19 है, रामपुर 20 है। तो हम लोग अंतिम छोर पर, हमारे पास, हमारे बगल में अमनोखा टच करता है। जी, हम लोग तो इस बार जो आप चुनाव में उतर चुके हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के द्वारा आपके प्रति क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। इसलिए देखिए, मैंने 5 वर्ष तक वार्ड सदस्य रहा हूँ। 5 वर्ष में बहुत कार्य हम किए हैं। जी, हम रोड गिनाने लगेंगे, पक्की गली नली गिनाने लगेंगे तो दर्जनों है, रोड कच्ची सड़क गिनाने लगेंगे तो मैंने दर्जनों है। मतलब हर क्षेत्र में हम काम किए हैं, लड़ने जा रहे हैं। और काफ़ी समय से आपको देखा जा रहा है कि आप हर घर के लोगों से मिलते हैं, तो ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पंचायत में, अभी तो आप फिलहाल जनप्रतिनिधि हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप वर्क कर रहे हैं, इसको लेकर लोगों में क्या उत्सुकता है आपके प्रति? बहुत बढ़िया उत्सुकता है। जनता कह रही है कि भाई हम लोग किसी को गाँव के नाम पर चुन लिए, किसी को जात के नाम पर चुन लिए, लेकिन इस बार जाति पाति से ऊपर उठकर, गांव से ऊपर उठकर जनता कह रही है कि हम चुनने के लिए तैयार हैं, आप कल आगे बढ़िए, हम लोग आपके पीछे हैं। जी हाँ, इनका कहना था कि इस बार जो जनता है जाति पाति से उठकर हमें मतदान करेंगी। ये थे हमारे साथ अभय कुमार सिंह, जो कि बभनी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं और ये दमखम लगाने में जुटे हुए हैं। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के करगर प्रखंड के बभनी से मैं अश्विनी पांडेय।